आई एम मनोज अवस्थी एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू SPIC J2 ऑनलाइन क्लासेस. स्टूडेंट्स, वी आर रीडिंग नरेशन एंड इन द प्रीवियस क्लासेस वी हैव स्टडीड अबाउट टेंस चेंजिंग, प्रोनाउन चेंजिंग. मीन्स प्रोनाउन कैसे चेंज किए जाते हैं, टेंस कैसे चेंज किए जाते हैं, ये पिछले क्लासेस में हम लोगों ने स्टडी किया है. इस पीरियड में हम लोग समझेंगे कुछ डायरेक्ट स्पीच के अंदर वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म में. मीन्स वो वर्ड डायरेक्ट फॉर्म में दिए होते हैं, इनडायरेक्ट फॉर्म में उन्हें चेंज किया जाता है. तो कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिनको हम चेंज करते हैं, हम एक टेबल बनाते हैं. आप लोग इसको देखिएगा, इसको समझिएगा और इनको तैयार करिएगा. तो वर्ड्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं. जैसे वर्ड्स लिखे होते हैं नाउ, नाउ को हम लोग चेंज करते हैं देन में. डायरेक्ट स्पीच में अगर नाउ वर्ड दिया होगा तो उसको देन में चेंज करेंगे. इसी तरह से हेयर देयर में कन्वर्ट होगा. एगो बिफोर में चेंज होगा, हेयर देयर में चेंज होगा. टुडे दैट डे में कन्वर्ट करेंगे. टुनाइट दैट नाइट में कन्वर्ट करेंगे. इसी तरह से यस्टरडे द प्रीवियस डे में चेंज करेंगे. द प्रीवियस डे यू कैन से ऑल्सो द डे बिफोर, द प्रीवियस डे, द डे बिफोर एंड नेक्स्ट डे, द फॉलोइंग डे, दिस वर्ड विल बी दैट, दीज वर्ड विल बी कन्वर्टेड इन टू दोज. सो दीज आर सम कॉमन वर्ड्स विच कैन बी चेंज व्हाइल चेंजिंग फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच. स्टूडेंट्स, अगर आप लोग ये वर्ड्स को ध्यान देंगे और उनको कन्वर्ट करेंगे तो आपके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इन वर्ड्स में आपकी गलतियाँ नहीं होंगी. तो ये जो छोटा सा सेक्शन था इसमें इतना ही. नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और समझेंगे. थैंक यू. वर्ड्स चेंजिंग समझने के बाद हम लोग और समझेंगे कि मॉडल चेंजिंग कैसी होती है. डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच चेंज करते समय कुछ मॉडल्स ऐसे होते हैं जिन्हें बदलते हैं. मॉडल जानते हैं बेटा आप लोग. मॉडल मीन्स विधि सूचक सहायक क्रिया जो एक तरह की हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं. तो समझते हैं कि कौन कौन से मॉडल्स होते हैं जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होते हैं. इफ विल मॉडल गिवन इट विल बी कन्वर्टेड इन टू गुड. विल मॉडल को गुड में कन्वर्ट कर देते हैं. शैल फ्यूचर का मॉडल है, इसे शुड में चेंज कर देते हैं. ये विल और शैल दोनों ही जो ऑब्जिलरी वर्ब्स हैं ये फ्यूचर टेंस को बिलोंग करती हैं. तो अगर डायरेक्ट स्पीच में विल आता है तो उसे वुड में कन्वर्ट करेंगे, शैल आता है तो शुड में कन्वर्ट करेंगे. इसी तरह से अगर मे मॉडल दिया होता है, मे पॉसिबिलिटी शो करने वाला हेल्पिंग वर्ब है, तो मे को हम चेंज करते हैं बेटा माइट में. और इसी तरह से कैन मॉडल को कुड में कन्वर्ट करके हम लोग डायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच चेंज करते हैं. तो ओनली दीज आर फोर मॉडल्स. इफ दे आर गिवन इन डायरेक्ट स्पीच दे विल बी कन्वर्टेड इन टू इनडायरेक्ट फॉर्म. मीन्स विल टू गुड, शैल टू शुड, मे टू माइट एंड कैन टू गुड एंड अदर जितने भी मॉडल्स होते हैं सब इनडायरेक्ट फॉर्म में ही होते हैं. सभी के सभी पास्ट टेंस में होते हैं इसलिए उनमें कोई चेंज नहीं होता है. ओनली दीज फोर मॉडल्स आर चेंजेबल. इतना डायरेक्ट स्पीच एंड डायरेक्ट स्पीच के रूल में इतना ही रहेगा. नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग और समझेंगे डायरेक्ट से.